हेलो और वेलकम टू एंकर डिजिटल पॉइंट। सो गाइस कैसे हैं आप सभी, मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने YouTube चैनल एंकर डिजिटल पॉइंट। मेरे पास काफी कमेंट्स ऐसे आ रहे थे जिसे मुझसे पूछ रहे थे कि भाई यूनिक कार्ड के बारे में हमें बताइए। गाइस यूनिक कार्ड क्या है मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। यहां पर आप ले सकते हैं घर बैठे इंस्टेंटली लिमिट। ये एक तरह का क्रेडिट कार्ड है जहां पर आप जो भी लिमिट लेते हैं यानी जो भी अमाउंट आप यहां पर यूज करेंगे उस लिमिट में से उसको आप 3 महीने के इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, यानी 0% इंटरेस्ट पर। ये जो क्रेडिट कार्ड है गाइस आज के टाइम पे काफी ट्रेंड में है, यानी यूनिक जो कार्ड है ये ट्रेंड में चल रहा है, काफी लोग इसको बनवा रहे हैं। मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि हमें बता दो इसकी डिटेल। आज मैं आपको यहाँ पर यूनिक कार्ड के बारे में बताऊंगा कैसे आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपको फायदा मिलता है इस कार्ड को अप्लाई करने पर, कितने लिमिट आपको यहाँ पर मिल सकती है। अगर आप भी बनाना चाहते हैं यूनिक कार्ड इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके बाद गाइस आपको उस लिंक पर क्लिक करना है जो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे डायरेक्टली आप प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है यूनिक कार्ड द पे 1/3 कार्ड, यानी आप यहां पर जो भी अमाउंट यूज करेंगे उस अमाउंट को आप 3 महीने की इजी ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी 0% इंटरेस्ट पर। आज के टाइम पर काफी ट्रेंड में है ये वाला कार्ड। 4.1 रेटिंग है, 10 लाख डाउनलोड की जा चुकी वाली एप्लीकेशन है। जो कार्ड आपको यहाँ पर मिलता है वो आपको दिखाई देता है कुछ ऐसा, यूनी वीजा कार्ड है, ठीक है, और काफी पॉपुलर कार्ड ये हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइज, जैसे कि मैं आपको बोला था कि 3 इजी EMI में आप कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी अमाउंट आपको यहाँ पर यूज करेंगे, देख सकते हैं 3 पार्ट 3 मंथ 0 इंटरेस्ट, यानी 3 पार्ट में आप जो वापस कर पाएंगे उन पैसों को जो भी आप यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। आप यहां पर उन पैसों को कहां पर यूज कर पाएंगे वो भी यहां पर बता रखा है। जब आपको यहां पर लिमिट मिल जाएगी उसके बाद आपको पता चल जाएगा। केवल 3 स्टेप में गाइस आप इस कार्ड को ले सकते हैं यानी लिमिट एक्टिवेट कर सकते हैं। केवल आपको यहां पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होगी, कंप्लीट करनी होगी KYC। जैसे आप यहां पर KYC कंप्लीट करेंगे गाइस आपका जो कार्ड है यहां पर इशू हो जाएगा। ज्वाइनिंग फीस यहां पर फिलहाल 0 है, ये लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी से आप इस कार्ड को बनवा लीजिए, ठीक है। यहां पर आप आसानी से रीपेमेंट भी कर पाएंगे। देखिए यहां पर गाइज आप 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, 12 महीने की इजी EMI में कन्वर्ट कर सकते हैं जो भी आप यहां पर अमाउंट यूज करेंगे, लेकिन अभी यहां पर ये कमिंग सून दिखा रहा है, फिलहाल 3 महीने ही आप इसको यूज कर पाएंगे। अगर कैसे आप इस कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं तो गाइस केवल 3 स्टेप में आप कार्ड अप्लाई कर पाएंगे। सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी यहां पर चेक करनी होगी जो आप कुछ ही मिनटों के अंदर कर पाएंगे। उसके बाद सबमिट करनी होगी अपनी KYC पेपरलेस पूरी तरीके से, KYC आधार कार्ड पैन कार्ड से आप यहां पर KYC कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद कार्ड आपका इंस्टेंटली मिल जाएगा, डिजिटल कार्ड आपको इंस्टेंटली मिलेगा, फिजिकल कार्ड आपके घर पे आपको 6-7 दिन के अंदर मिल जाएगा। तो गाइज आपको क्या करना है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो आपको यहां पर दिखाई देगा कुछ ऐसा, जैसे भी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखिए यहां पर क्या है भाई, आप जो है 3 इजी स्टेप में आप लोन अप्लाई कर पाएंगे, 3 EMI में कन्वर्ट कर पाएंगे, 1% का रिवॉर्ड पॉइंट आपको मिलेगा, 6 से 18 महीने की EMI में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अभी कमिंग सून है, अभी आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये फायदे आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना होगा। जैसे गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे गाइस आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर डालना होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर अपना नंबर अभी डाल देता हूँ और उसके बाद जो है यहाँ पर वेरीफाई करना होगा आपको अपने मोबाइल नंबर को। जैसे आप वेरीफाई करेंगे आपके पास एक OTP आएगी, वो OTP या तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी या फिर आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। उसके बाद गाइस आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी OTP मेरे पास आ चुकी है, मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। और OTP डालने के बाद गाइस देखिए, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि भाई आप जो है केवल 3 इजी स्टेप में यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है, उसके बाद आपको कंप्लीट करनी है KYC, आधार कार्ड अपने पास रख लीजिएगा, उसके बाद आपका कार्ड आपको मिल जाएगा तुरंत। वैसे तो उस कार्ड की ज्वाइनिंग फीस 1999 रुपये है, लेकिन फिलहाल ये 0 ज्वाइनिंग फीस आपकी यहाँ पर लेगी, लिमिटेड टाइम के लिए है, जल्दी से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट एलिजिबिलिटी चेक पर आपने क्लिक करना होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, यूनिक कार्ड पूरी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये केवल कुछ सिटी के अंदर ही आपको मिलता है। जब आप यहाँ पर इस कार्ड को अप्लाई करेंगे हो सकता है आपको ये कार्ड ना मिले, वहां पर लिखे कमिंग सून, यानी आपकी सिटी के अंदर हम जल्दी आ रहे हैं। मुझे भी यहाँ पर ऐसा ही कुछ दिन पहले दिखा था, हो सकता है अब ये चेंज हो गया हो, मेरे शहर के अंदर आ गया हो, तो मैं आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ फिलहाल, जहां तक भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आपको क्या करना है, स्टार्ट एलिजिबिलिटी चेक पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले गाइज आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालनी होगी, उसके बाद कार्ड डिलीवरी पिन कोड आपको यहाँ पर डालना होगा। देख गाइज यहाँ पर लिख रखा है दिस विल हेल्प अस चेक द अवेलेबिलिटी फॉर आवर सर्विस एट योर पिन कोड। मैं आपको बोला था ना
अगर आपके पिन कोड पर ये अवेलेबल होगा तो ही आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पिन कोड डालेंगे, मुझे लगता है मेरे शहर के अंदर भी शायद मुझे ना मिले, फिर भी मैं आपको यहाँ पर डालकर दिखाता हूँ। उससे पहले आपको ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी होगी, उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पर डालना होगा। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी डाल दी, एरिया पिन कोड डाल दिया, लेकिन भाई साहब ये बहुत होशियार है, आपकी जो लोकेशन है ना उस लोकेशन को ये पकड़ लेते हैं जहां पर बैठकर आप इस कार्ड को अप्लाई करेंगे, और आप सोच रहे कि भाई हम यहाँ पर अपना जो एरिया पिन कोड है कोई और डाल दें डिलीवरी पिन कोड, तो ये आपकी लोकेशन पकड़ लेंगे, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। ठीक है, तो फिलहाल हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और जैसे हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ये अभी के अभी बोल देंगे भाई नहीं भाई हम आपके शहर के अंदर नहीं दे सकते मुझे पता था इस बात का। तो यहाँ पर क्या होगा गाइस, देखिए एडिट पिन कोड करने के लिए बोल लेगी, पिन कोड अपना एडिट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, और वही वाली बात होगी जो मैं आपको बोल रहा था, इस पिन कोड पर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, लोकेशन उन्होंने पकड़ ली गाइस, मैं यहाँ पर दूसरा पिन कोड डालता हूँ, अभी दूसरे पिन कोड में अवेलेबल है ही नहीं है। तो यहाँ पर गाइस दूसरा पिन कोड मैंने डाला और यार आ गया, देखिए पहले मैंने दिल्ली वाला पिन कोड डाला, वहाँ पर ये जो है इसने मना कर दिया, उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना एक हरियाणा का पिन कोड है मेरे भाई का, वहाँ पे रहता है, तो उसका पिन कोड डाला, वहाँ पर ये एक्सेप्टेबल हो गया और यहाँ पर पैन कार्ड डालने के लिए बोल दिया इसने। अब यहाँ पर क्या बात आ चुकी है, पैन कार्ड मेरा यहाँ पर मैंने पहले से डाल रखा है अपनी दूसरी एप्लीकेशन के अंदर, देखते हैं यहाँ पर पैन कार्ड मेरा ये पकड़ता नहीं तो मुझे ये मना कर देगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, पैन कार्ड अपना डालना होगा, उसके बाद आपका नाम जो पैन कार्ड के अंदर और डेट ऑफ बर्थ जो पैन कार्ड के अंदर, उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अभी फिलहाल पैन कार्ड का नंबर डालता हूँ। तो गाइज मैंने यहाँ पर देखिए पैन कार्ड का नंबर डाल दिया, अपना नाम डाल दिया जो मेरे पैन कार्ड के अंदर है, डेट ऑफ बर्थ अपना डाल दिया जो मेरे पैन कार्ड के अंदर है। यहाँ पर बोलते हैं कि भाई आपको यहाँ पर वही डेट ऑफ बर्थ डालना है जो आपके पैन कार्ड के अंदर, उस बात का ध्यान रखा, लिख रखा है यहाँ पर पैन कार्ड मैं जो आपका डेट ऑफ बर्थ तो वही डालना है, जो नाम पैन कार्ड के अंदर वही यहाँ पर डालना होगा, इस बात का ध्यान रखना है। मैं नेक्स्ट करूंगा तो यहाँ पर मुझे बोल दे कि भाई आपका पैन कार्ड पहले से यहाँ पर लगा हुआ है, नहीं बोला कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर आपको जेंडर चूज करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा, जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये बोलेगी कि भाई आप ये बताइए आप सिंगल है या फिर मैरिड है, हम मैरिड है तो हम यहाँ पर मैरिड करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भाई आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, देखिए सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड प्राइवेट हैं, एम्प्लॉयड गवर्नमेंट है, रिटायर्ड हैं, स्टूडेंट हैं, नॉट एम्प्लॉयड, तो हम हैं यहाँ पर गाइज सेल्फ एम्प्लॉयड, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी, मुझे यहाँ पर ही रिजेक्ट करने वाला है, क्योंकि ये अब हमारी लोकेशन से जो है ये रिजेक्ट कर देगा, हमारी लोकेशन देखेगा और रिजेक्ट कर देगा, ऑफर नहीं मिलने वाला मुझे यहाँ पर, क्योंकि गाइज मुझे यहाँ पर कसम से बोलता हूँ, देख यार गाइज यार मुझे यकीन नहीं हो रहा, 20,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये की लिमिट मुझे यहाँ पर ये दे रही है और बोल रहे कि भाई आप एलिजिबल हैं 20,000 से लेकर 50,000 रुपये के यूनिक कार्ड के लिए, केवल आप यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या चेंज हुआ है गाइज, देखिए गाइज यहां पर 1/3 से ये 1/2 कार्ड अब बन चुका है, केवल मुझे केवाईसी अपने यहां पर करनी होगी और मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि केवाईसी के अंदर मेरा एड्रेस कुछ और है और मैंने जो एड्रेस दिया है वो कुछ और है। चलिए यार देखते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है। ठीक है, अभी फिलहाल करना है एक्सप्लोर पे पर क्लिक करना होगा, जैसे एक्सप्लोर पे पर क्लिक करेंगे अभी हमें यहां पर क्या करना है, मैं एलिजिबल हूं 1/2 कार्ड के लिए, और यहां पर गाइस देख सकते हैं स्प्लिट योर बिल इन टू पार्ट लिखा आ रहा है, रिवॉर्ड्स 1.2% मुझे यहां पर मिलने वाले हैं। अभी क्या करना है गाइस, मुझे यहां पर स्टार्ट केवाईसी फॉर पे 1/2 कार्ड पर क्लिक करना होगा, उसके बाद गाइस मुझे यहां पर केवाईसी करनी होगी अपने आधार कार्ड से, और यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि आधार कार्ड के अंदर एड्रेस कुछ और है और जो मैंने एड्रेस दिया है वो कुछ और है। केवाईसी डिटेल प्रोवाइड विल बी यूज्ड बाय आवर बैंक एनबीएफसी पार्टनर इशू योर यूनिपे 1/2 कार्ड, तो हमें क्या करना है, एंटर करना है अपने आधार कार्ड को, जो ओटीपी हमारे आधार कार्ड पर आएगी वो डालनी है, पासवर्ड अपना एक डालना है, उसके बाद हमें आधार कार्ड से केवाईसी करनी है और हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। कोई नहीं यार, चलिए आपका भाई आपको दिखा तो रहा है ना सब कुछ कैसे भी करना है, बने या ना बने हमें उससे कोई मतलब नहीं है। कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद गाइस अब हम डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाएंगे आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और वहां पर जाने के बाद अभी हमें अपने आधार कार्ड से केवाईसी करनी होगी। ठीक है, आधार कार्ड से केवाईसी करने के लिए यहां पर अब हमें क्या करना है, आधार कार्ड का नंबर डालना है, कैप्चर कोड डालना है, और गाइस उसके बाद हमें नेक्स्ट में क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना आधार कार्ड का नंबर डाल देता हूं, अभी आ चुकी है गाइस, मैं ओटीपी डाल देता हूं और जो है आपको ओटीपी डालकर आगे दिखाता हूं होता क्या है, रिजेक्ट ही होना है और तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ओटीपी आ चुकी है,
ओटीपी मैंने यहाँ पर डाल दी गाइस। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर हमें 4 नंबर का पासवर्ड क्रिएट करना होगा। ये जो पासवर्ड होता है गाइस, इसको आपको ध्यान रखना होता है, क्योंकि एक्सएमएल फाइल जब आपको डाउनलोड होगी, ये पासवर्ड डालने के बाद ओपन होगी, ठीक है। तो गाइस मैंने यहाँ पर 4 नंबर का पासवर्ड डाल दिया। 4 नंबर का पासवर्ड डालने के बाद अभी आप देख सकते हैं मेरी डिटेल आ चुकी है, और मेरा जो नाम है, मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है, मेरा एरिया पिन कोड, मेरा एड्रेस, सब कुछ यहाँ पर आ चुका है। अब मेरा ये जो कार्ड है रिजेक्ट हो जाएगा। कारण यही है कि मैंने पिन कोड यहाँ पर दूसरा दिया था, हिसार का अपना जो दूसरा एड्रेस है, और यहाँ पर जो है मेरा एड्रेस अभी कुछ हो रहा है। तो चलिए मैं नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ अभी, और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद गाइस अभी यहाँ पर एक सेल्फी अपलोड करने के लिए मुझे बोल रही है। मैं यहाँ पर अपनी सेल्फी भी अपलोड कर देता हूँ। तो गाइस मैंने यहाँ पर सेल्फी अपलोड कर दी। चलिए अपलोड सेल्फी पर क्लिक करते हैं। क्या पता ये कार्ड हमारा बन जाए भाई, आपसे बात करते करते बनने वाला तो नहीं है यार, क्योंकि गलत एड्रेस है भैया, गलत एड्रेस। तो गलत एड्रेस, एंटर योर एड्रेस। तो यहाँ पर बोल रहे कि भाई लिस्ट ली कार्ड डिलीवरी एड्रेस, प्लीज नोट दैट योर कार्ड डिलीवरी एड्रेस कैन नॉट बी चेंज लेटर। तो आपको हमें क्या करना है, डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर डालना होगा। तो डिलीवरी एड्रेस यहाँ पर क्या करना है, एड न्यू एड्रेस पर क्लिक करना है। मैं दूसरा एड्रेस डाल रहा हूँ, क्योंकि उस एड्रेस पर तो नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो क्या करते हैं अभी हम यहाँ पर एड्रेस अपना डालते हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर अपना दूसरा एड्रेस डाल दिया। चलिए इसको सबमिट केवाईसी पर क्लिक करता हूँ। जैसे सबमिट केवाईसी पर क्लिक करेंगे गाइज, उसके बाद यहाँ पर अब हमारी इन्फॉर्मेशन देखी जाएगी। लोकेशन ढूंढ रहा है गाइज, रिजेक्ट करेगा पक्का मुझे, क्योंकि मैं अभी अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर बैठा हूँ और ये लोकेशन मेरी ढूंढ रहा है। और ये यहाँ पर देखिए, यू आर करेंटली नॉट एलिजिबल, वेट लिस्ट में डाल दिया मुझे। वेट लिस्ट में ही डाला, क्योंकि लोकेशन मेरी यहाँ की थी, अगर मैं वहां बैठकर इसको अप्लाई करता तो मुझे दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर मुझे वेट लिस्ट में इसलिए डाला क्योंकि मेरा जो आधार कार्ड के अंदर एड्रेस है और जो मेरा जो एड्रेस मैं दे रहा था वो दोनों अलग अलग हो गए थे। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पर मेरा जो ये रिजेक्ट हो गया है, यहाँ पर मेरा ये कार्ड, मुझे यहाँ पर ये कार्ड नहीं मिल सका, यहाँ पर मेरा कार्ड रिजेक्ट हो गया। इसके आगे मैं आपको नहीं दिखा सकता। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप बनाना चाहते यूनिक कार्ड सेम इसी तरीके से बना लीजिए जैसे मैं आपको दिखाया। चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, आज के लिए बस इतना ही।